और फिर एक नायका को उदाहरण दिया, बोले एक नायका की बस्ती में 8-10-20 घर था और एक राजपूत को घर था। जब वो राजपूत दोनों खेती में करी को नहीं, नायका की फसल ठीक होगी। जब वो साहब दोनों वो राजपूत खड़े हो गए, भाई जाओ आए गांव ना छोटा दूसरी जगह जाओ मेहनत करने की आदत ठीक होने। वो गांव का प्रेम थोड़े बोले बैठो साहब बैठो, ठाकुर साहब हम भी तो तारा है, हम मारे फसल हो तो कि थोड़ा थोड़ा दाना करके तन दे जाऊंगा और तुम जो उन्होंने काम में ले ले। और फिर पास वो साहब जो के काम करे बोले बोले तीसरी चौथी साल अंतरा परंपरा सी बन गई। चौथे साल जाके बोले नायड को नायगड़ो बोले वो लगान कौन दी हो लगान मारा की तो हम तो तेरी सहायता करी थी लगान कितना बढ़ा लियो तो ये कुमार पढ़ना पड़े। और फिर बोलिया खेत में सारा दिन काम करे और निनान करके रह के भूख लगे बड़ी अच्छी रहे और बस उसे आसन में चलना दोनों माल कटाऊंगा ए भावना को बोले गलत फल मिलेगा प्रसाद को कभी भी गलत फल मिले। प्रसाद तो ऐसा है साधमिया का उदाहरण गुरु महाराज जी ने एक चैतन्य महाप्रभु की बड़ी अच्छी पुस्तक पढ़ा और भक्ता ने बताया रघुनाथ नाम को बोलो जमींदार जिनका दो परिवारों में मतलब जो ना एक ही संतान थी तो दोनों परिवारों को इतना ज्यादा वो बहन किसी प्रकार से जो ना जमींदारों से मारन खतरे वो कर दो शादी कर दो वो कर दो ऐसे परंपरा से चिल्लाओ ये सुविधा दे दो सारी सुविधा दी। पर वो चैतन्य महाप्रभु को जो है एक दिन जीवन देख लियो उठी का निकला था तो वो कीर्तन करता हुआ निकलता हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। अब भी जो है ना एक मायापुर जगह है नवदीप को ही नाम मायापुर है आप कई बार देखता हो हम तो प्रत्यक्ष देख के आया और हम देखने से भी ज्यादा मारा भूमिका दिमाग में महाराज जी पहली बढ़ा दी थी तो उठे नाच नाच के कीर्तन करता करता हरे राम हरे राम हरे राम। ये जो अंग्रेज लोग है ना उनका जितना मंत्र है ना हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ऐ महामंत्र को जाप हुआ है यो ही तो जाप करे हैं और यो ही कीर्तन करे हैं और अरे नाचे हैं खूब। गुरु महाराज जी का जो बात सुन लेता ने तो उनको समाधान हो जाता मतलब एक ही हूं नाचना पा गलत चीज माना अभी नाचनो के है भगवान ने खूब कीर्तन कर दिया वो कर लिया। फिर बस गुरु महाराज जी एक दिन मनोरंजन मतलब ऐसी मनोरंजन में ही शिक्षा की बात होता देता बोले भाई भक्ता को जो ना फिर बल्ला सम्मान होने लागू तो माड़ गणू खाने लागा वो अजम हो कोई काम की मैथ को नहीं तो नाच कूद के वो कटेंगे शरीर ठीक रहे बोले भाई आपने यो कमरो इतना ही है आपने तो महाराज 400 का दे रखी है और वो भी बढ़ा दी कितने 600-800 कितनी कर दी वो पता को नहीं तो जो है ना एक मैं कमरा में सारे 30-40 के काम करा वह फोटो नहीं चाचा इनने वो करते हैं इनने वो करते कितना काम करूंगा। पर वो जो है ना वो भक्ता इतना ही वो क्षेत्र धो तो वो साहब जो वो सारा केक ना धो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन शुरू करवा दिए और कीर्तन वो नाचे खुद भी इतना मस्त हो जाए वो नाच के इतना मस्त हो जाए पूछो और वह नाचता नाचता कीर्तन करवाऊ तो इतना आनंद आवा। तो वो जो है ना वो स्थिति का अनुसार वो कर दियो स्थिति ऐसी है नहीं और फिर पासों की परंपरा बना ली ऐसा नहीं तो परंपरा से ही महाराज ने तो भाई जो ग्वाली आता और फिर पास शुरू मांगता से फिर पहले तो चिलम का से जो ना आँच का भरोसा साता और फिर उनके बाद फिर बस पानी पीने का मना साता और फिर बाद दो एक आड़ सीधा ने बोले बाबा जी के चलो रोटी खाया होना बाबा आगे ने बोले महाराज ये तो बोलो दूर को है कोई के ग्रह भाई बोले मैं तो ऊँट चरावन आए थो और भूख लग गई तुम्हारा जी कहीं कोई जो ना कोई रोटी बचो टुकड़ो ले ले भाई। दूसरे दिन आगे फिर दो आगा फिर तीन आगा फिर ने बोले भाई तेरा घर खाया करो रोटी ऊँट लियाओ उसमें ऊँट चराओ ना तो घर से ले आया करो बांध के लिए आया परंपरा को नहीं पड़न दी गलत परंपरा को ही विरोध हो कोई उठे सो भगत रहता सो का सो घर जाके रोटी खाता ऐसी परंपरा थी वो कुमार ना हटाने खातर या न हो जाए मुझे दास तो या घनी चीज आए लिया ऐसी परंपरा में भाव अच्छा हूं ठीक है प्रसाद को रूप है काम में ले ले और फिर पशु को बाद में जो ना जब भी मौको लागे और कहीं हमने सब्जी खरीदने को खरीदने को कोई मौको भी ना और कोई ऐसी भी बात हो ना तो शरीर से मेहनत कर जाओ हमने बेटा या तारी है दूसरा ही को नहीं है आज जो है आश्रम में गौशाला में देखू जा जाके वो अपना आशीष आया जो इसे
दोनों महाराज 32-33 आदमी रह रखे। फिर बोलो कहीं 18,000 रुपये दें कहीं ना वो दे। फिर भी जाके देखा ना वो आश्रम बहुत कुछ सीखे हुए, आगे ऐसी सफाई रहनी चाहिए, ऐसी ऐसे जो नियम बनना चाहिए ऐसे वो करना चाहिए। फिर भी नौकर पद्धति एक अलग है। उन नौकरा ने बताई 4-4.5 लाख रुपया महीना का खर्च कर तो भी ऐसा ही सही व्यवस्था को बन पाओगे। आप लोग जो है ना ये इतना समय दे हो इतना वो करो ना युग जीवन में बहुत बड़ो काम आओ, बहुत बड़े पुण्य है। और गांव का दो चार थाना बताऊ उन्होंने कह दो अगर तन लाख रुपया मन ना जा तड़के 5-7 बजे तक थोड़ी देर उठ चल जाकर ना भाई मेरे से यह बात कौन बने। और दूसरी जगह जो है ना होटल पर छोड़ दो सारा दिन बर्तन मांजो कप मान वो करो जो चा का उठे वो कर वो करो पर शाम न चाहे उन्हें पाव पीऊ नहीं देते रोटी वो तनख्वाह भी मत दो चाहे। ये गलत धारणा है, ये आदमी दुखी करे। गलत धारणा से बचो जा। वास्तविक जीवन जो है गुरु महाराज जी को जीवन इतना आदर्श है, इतना आदर्श है। कई बार आपका जीवन का बार हम ऐसी घटना बताता नहीं बोले भाई 20-21 साल की उम्र में हमारे खांड आ गए। अब आज का 20-21 साल का आदमी की जो ना वो उनके उनको जीवन देख के देखो तो बोले ऐसा जीवन में बांट दियो टेम ही कौन है। तो 4 बजे उठता है नहा धोई पूजा पाठ करके वो करके जो ना थोड़े भगवान को नाम लेता ध्यान करता परमात्मा को फिर पास जो ना गीता जी को पाठ कर लेता फिर रामायण को पाठ कर लेता फिर जो ना कीर्तन कर लेता फिर भजन गा लेता एक तारो तो बोले एक तारा फिर भजन गा लेता। पर हमने शाम ने 10 बजे तक जो है ना 1 मिनट को टेम यो कौन भाई तो फालतू से क्या काम फालतू टेम की परंपरा बनाओ है आदमी। कई आदमी जो ना आप 8 बजे आप जो है जाओगा तो एक भूख लगी रहेगी तो घर में वो रोटी कराटी खा के फिर बतन तारा धंधा पर चले जाओगा। और कई गुदड़ा में जो है फोन आने लगे हैं आज जइया दौरान ता साधु ने बैठ के खेलाना तो जल्दी तावड़ करने लग जाए मेरी चाह को दी मेरे वो कौन दे मेरे के वो रख दियो तू घर का कह देने आदर करेगा काम यो ही पास खेलनी पूरे भी आ जाने तो इशारा में महाराज टेम को थोड़ा सा काम तो जाओ गलत परंपरा डाली। जीवन ने दुखी करण खातर धन मकान जमीन ये परेशान कौन करें गलत आदत परेशान करें। बिना गरीब आदमी होते हैं जगन मकान को नहीं रहने को नहीं और औरा का उदाहरण तो के दे आप महाराज जी को जीवन देखो के थो झोंपड़ी के ऊपर बोले 3 पूड़ी दरी थी और दर के पार गया ये प्रसंग बड़ो हो जाओ टाइम बड़ो हो गए उन्हें तुम बताऊँ जो ना शुरू में जब आया ना शुरू जब ऐसी स्थिति हुई कि 2-3 दिन तक बैठा रहे हम पेड़ के नीचे और फिर बाद में साहब ऐसे ऐसे संयोग बैठो भुगवाड़ यार बनी बोले भाई तू क्यों बैठे बोले भाई उड़े रहा भाई जब फिर पास बोले महाराज बोले वो रोगा के बोले वो फूस तो सारा उड़ी गो ये जो ना ये अपना बाजरों बार रखे था वो तो उड़ी गो सारा बरसात को नहीं हुई आ सोच लागता कि एक मतलब करा तनागता कि एक ना आया महाराज तो भगवान करेगा दया भाई जो ने परमात्मा ही दयालु है ऐसा स्वभाव मती महाराज जी कह दी। अरे एक उन भगत लगा गया तो बोले वो बाबा जी न्यू कह वो पंडित जी बैठे न उठे अगर भाई मेरी कुटिया बना दो मैं बच जाऊ गलत प्रचार करनी अभी बहुत नहीं थी वो जाके गांव में कह दे गांव में बोले भाई मैं तो कठे पड़े है मतलब चलो मैं अल्लाह पजा पर वो काली ईंट बचेड़ी है ना वही ईंटा जो लगा दें वह आया टबरी यार कोई ग्वाली यार वह ला के वह बनाई और बना के फिर पानी बोले भाई कर वह पन्नी को नहीं तो फिर पानी बोले भाई कड़बी की दर्ज तो एक तीरण बोल रहे हैं कोई शब्द है तीरण मतलब ऊपर जो लगाऊ है ना वह पूड़िया बरसात से मे से मुझसे गड़ जाऊ तो वह तीरण तार की एक और ना दर्दी है वह छानी खराब ना करे बोलो भाई मारे पड़ी है दस एक पूड़ी तो वो दूसरे बोले भी शेख मारे पड़ी है यहाँ करके एक फिर बोल आया बांध के और फिर पास बोलो भाई न तो बादल था न और के में तो परमात्मा के बोलो के दया करी अब उठा उठा के वह 3 पूड़ी दे रही थी बड़ा पे 3 पूड़ी धरता है बोले सब जोर को मैं पड़ो बाग्या बोले कुंड आगा के फिर पापा बोले कोई सुख की दे दूसरे दे देना हम ही दे रही बोलो बाकी के काम थोड़े ने उन्होंने तो मैं चाहिए था वो परमात्मा करती है। या मैं कई बार देखूं
अब भी जो है बहुत लोग या सेवा करांगा या मारो काम यू बन जाए तो यू करांगा फिर भाई यू करांगा फिर भाई इतने वो दान पुण्य करांगा इतनी गाय की सेवा करांगा अरे काम बढ़ता है फिर कुछ नहीं कोई पर मार लो व्यापार तो भगवान का घर से चांद कदे घाटो बने हो वह आपकी परंपरा से भले ही रुक जाओ मारी परंपरा में मारा मारा व्यापार में कदे भी घाटो कौन कर सकेगा कदे वो तो आपकी सोच है आपकी सोच आदमी के लिए तुम कर लो ये परंपरा की या परंपरा जो बनी रहे गुरु महाराज ने खूब याद करो खूब मस्ती से जियो जियो एक बराबर कोई चीज आठ नहीं तो जो ने हर परिवार वाला के जो ने आप 40 जना बैठे हो 40 जना का हर आदमी के कम से कम भी 100-150 आदमी संपर्क में है उनका रिश्तेदार उनका बैठने उठनिया उनका घर का उनका जो मित्र दोस्त सब उनका जो उनका मतलब 150-200 आदमी का संपर्क में जो ज्यादा बैठे उनका ज्यादा हूं पर उनका जीवन में देखेगा ना आपका जीवन और उनका जीवन में कितना अंतर है कहीं नहीं कहीं देख लो यार तड़के चल जाकर तुम भी हमने तो जाता इतना वो के ले आए तुम क्यों चक्कर काटा है राजना सोए क्यों नहीं बोलो तने इतना हताश कर देंगे एक दूसरे दिन वो आओगा ना तो भी मतलब बार बार भाई दिमाग में आओगी कह दो यार सच तो के ले आया आप इतना दिनों में के वो करे ये सोच है हड़की सोच से आदमी जितना बेचैन है ना इतना और कोई चीज से है ही क्यों जो मतलब रात दिन जो नशो करे हैं उल्टा सीधा काम करे हैं लकड़ियां तोड़ता और वो करता ने जो बहुत हड़का शब्द हम गए हैं बात है कर दिया के कर दिया उन्हें खराब कर दिया वो कर दिया मारो रेवड़ चरिया करता और मरा ऊँट चरिया करता हम लकड़ी ले जाया करता मारी भैंस चरिया करती न्यू करा कुल्डी गिरा करता मतलब उनके इतने इतने वो है आता ना हजार चीज गिना दी एक दिन तो गुरु महाराज ने बोला भाई भगवान कृष्ण एक थो पर अर्जुन जो है वो कम हजार गुण गिना देते वो परमात्मा है सर्वे सर्वा है मेरा 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 जग संचालक है मेरा सारथी है मेरे मेरे जीवन की नैया का खेवैया है ये सब बता क्यों कितना अंग गिना था और वो ही भगवान में दुर्योधन हजार गुण काट दे तो किसो है ग्वालियो है न्यू कर दिया वो कर दिया किस बोल तो भावना अंदर की भावना मिटती सी मिटेगी क्यों गलत परंपरा में जिया है गलत परंपरा से अच्छी परंपरा में जीने खातिर आदमी बहुत कुछ करना पड़े हिम्मत करनी पड़े आंतरिक हिम्मत है ना या जितना संबल दे है और कोई चीज कौन दे बाकी काम करना है बोला आदमी सुबह सुबह नींद आवे है ना जब बहुत यार रहेगा तड़के चले चलना यार काल भी गया था रोज जाओ हाथ नहीं अपना चल आंतरिक ताकत आई ने रिजाइन पर बगा दे फिर पास नहीं हुआ तो लाइट को नहीं पानी भी ठंडो ही है फिर पास थोड़ो गुण भी वो होकर घेर के कर परंपरा माम जी आज हमने पता है छोटा छोटा बच्चा आता उड़े और वो बच्चा जो है ना वो एक वाह करके वो टूटी बार ना कोई कोई वो कौन थी न्यू तो यार घेर के न्यू बैठा रहता और बात दूसरा आदमी एक तू कहीं तरह तो ना दे तू चल चल पाचा आप तो श्री बीज दो गेर वो करके करके वो गेर तो लिया अंदर वो करके बाहर गया क्यों या परंपरा बनी अच्छी परंपरा डालने खातिर आदमी ने जो है ना बहुत संघर्ष करना पड़ा मन से लड़ाई करने बार समाज से लड़ाई करने की जरूरत को नहीं बड़ी प्रसन्नता से जीव बहुत आनंद आऊंगा छह बजे में गया बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय बोलो विष्णु भगवान की जय देव।